मसले की है कि उसने ये गुनाह किया लखनऊ के, जहाँ लखनऊ में छोटे बच्चों का प्रिंसिपल के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर लेटकर बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे घंटों तक रोड जाम रहा। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर जाम खुलवाया गया और बच्चों का यहां पर आरोप है कि आदर्श उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल बच्चों की दो दिन की छुट्टी लेने पर उन्हें जमकर पीट गए। तो वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनसे अवैध वसूली भी की जाती है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर इन छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा अपने ही प्रधानाचार्य के खिलाफ। रोड पर बच्चों का प्रदर्शन किस तरह से यहाँ पर देखने को मिला, प्रिंसिपल के खिलाफ गुस्सा फूटा और यहाँ पर छुट्टी ली गई थी और छुट्टी पर गए थे बच्चे, उसके बाद टीचर ने पीट दिया जिसके बाद गुस्सा फूटा इन छात्रों का। हमारे यहाँ लड़की से बच्चे हमारी। तो भाई इंडिया न्यूज संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे इन बच्चों से खास बातचीत की है और सुनिए इन बच्चों का क्या कुछ कहना है। इस समय राजधानी लखनऊ के एमा मऊ में है और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं ये एक आदर्श उच्चतम माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर तमाम बच्चों ने भीड़ लगाई हुई है। बच्चों का आरोप है कि उनको बेरहमी से पीटा गया है यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा। कुछ बच्चे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं जो अपना हाथ किस तरह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को पीटा गया है। बच्चों के हाथ एकदम लाल हो गए हैं। बेटा क्या नाम है? सुमिलाल। किसने मारा आपको? प्रिंसिपल ने। क्यों मारा है? दो दुनिया इसलिए मारते हैं नाम भी कर। इनके परिजन भी आए हैं, उनका आरोप है कि ना बच्चे की अनुपस्थिति की वजह से वो कहाँ पे बच्चे बेहोश हैं। क्या कहें? बच्चे भी बेहोश हैं। बेहोश पड़ा हुआ इनकी माँ है, उनकी माँ है वो जो मारे हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे यहाँ पर बेहोश भी हो गए। क्या कह रहे हैं? इतना मारे हैं कि वो चक्कर आने लगे, उसको बीमार भी पड़ गई है पर सारी डंडियां हाथों में उछली थी। इतना मानना चाहिए हमेशा कि इनकी आदत बन गई, जीन बन चुकी है। तो बच्चे बेहोश हो गए आपके? हाँ, बच्चे बेहोश हो चक्कर आ रहे थे। कहाँ पे है वो? अभी इस समय चौकी पे ले गए। चौकी पे? हाँ, चौकी पे पुलिस वाले ले गए। क्यों मारते हैं बच्चों को? बस दो दिन हर्जा कर दिए बस इसीलिए। बेटा आप क्या कह रही हो, क्या नाम है आपका? सर, सर ये यहाँ के सर प्रिंसिपल ने जो ऐसा किया कि सर लड़कियों का ना टॉयलेट बनाना, कुछ इतनी दिक्कत लड़कियों को होती है फिर भी टॉयलेट में लैट्रिन में ताला बंद है और ऊपर जाना पड़ता है। प्रिंसिपल उल्टा से कहते हैं लड़कियों को, बहुत बदतमीजी तरीके से गाली से बात करते हैं हमेशा। क्या नाम है प्रिंसिपल का? जी प्रिंसिपल इंग्लिश का टीचर भी नहीं है यहाँ पर। और दो दिन पढ़ाने पेपर चल रहे थे ना, तो दो दिन पढ़ाने उसके दूसरे दिन नजर नहीं आए वो। फिर आते अपना खाते पीते बस चले जाते, बक बक करते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे और उनके जो गार्जियन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। जो यहाँ के प्रिंसिपल है उन पर आरोप लग रहा है कि वो बच्चों को अनुपस्थिति होने पर बुरी तरह से मारते हैं। वहीं जो यहाँ की छात्राएं उन्होंने आरोप लगाया कि जो टॉयलेट है उनमें ताला बंद किया गया। इससे काफी आक्रोशित परिजन और यहाँ के स्कूली बच्चों ने रोड जाम किया। हालांकि आपको बता दें पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, बच्चों को समझाया, उसके बाद यहाँ पर रोड जाम जो है उससे निजात दिलाई गई है। फिलहाल अभी देखने वाली बात है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और इस